नमस्कार, मैं हूं कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया न्यूज चैनल। एक तरफ और आ रही है विकास खंड मदनापुर के ग्राम पंचायत लैसडी मजरा मोहनपुर प्रधान की दबंगई आई सामने। प्रधान के द्वारा कोई भी विकास ना होने पर ग्रामीणों में फूटा आक्रोश। जैसे कि आपको बताएं, तहसील जलालाबाद के विकास खंड मदनापुर ग्राम पंचायत लैसडी मजरा मोहनपुर में प्रधान की दबंगई आई सामने। ग्राम प्रधान के द्वारा ऐसा कोई विकास नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में प्रत्येक गलियां कीचड़ युक्त हैं और इसके बाद ना तो किसी गली में खड़ंजा पड़ा है और इन 5 वर्षों में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है जिससे कि हम लोग प्रधान के विकास के बारे में आपको बता सकें। जैसे कि हम लोग कच्चे मिट्टी के मकान में वर्षों से बन्नी ताने रहते हैं और कई प्रधान से अपने आवास के बारे में सूचित किया, लेकिन प्रधान की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं मिला जो हम सहमत रह सके। ग्रामीणों का कहना है कि मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि हमारे ग्राम पंचायत की जांच की जाए और अपनी समस्या को लेकर एकत्र हुए ग्रामीण जैसे मुन्नालाल मोर कली, सुरेश पाल, मुन्नी देवी, ममता देवी, उमेंद्र सुखदा, सर्वेश, मनीष विरावती, रामदास, श्यामवीर भूरे, राजवीर, कमलेश, लाला राम, धर्मपाल, आदेश रक्षपाल, ब्रह्मपाल, बहादुर गुड्डी देवी, सरोजा देवी, सुरजा आदि समस्त ग्रामीणों ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों से जांच पड़ताल की है। ग्राम प्रधान का कहना है कि जो करना है सो करो, कोई विकास नहीं करूंगा मैं। समाचार इंडिया न्यूज से रामलखन कुशवाहा के साथ। तो चार बुनिया पर जाए हैं ना, तो अच्छा चार बुनिया पर है, क्या था है नहीं जाए तो बात आवाज थे तो बात करो, दिखाओ दिखाओ दिखाना कहाँ ले भाई चल ना आगे आ जाओ आगे आ जाओ। बाल बच्चा तुम्हारे पे खड़े कर लेना, अगर तुम्हारे बाप ना के बाप को ना यहां तो तुम्हारे ओए हमारे कई बुड्ढे ना या भाई तुम्हारे है ना पीछे पर ये लियाओ कहां से दिक्कत करो कहां मोबाइल गेम में तो हम जो बांध समाज के तो थोड़ा सा ये पूरे मकान इधर खड़े हो जाओ तुम खड़े क्या नाम है आपका? धर्मपाल। कौन सा गांव है? मोहनपुर। कौन से ग्राम पंचायत लगती है? नया गांव लैसडी। लैसडी क्या समस्या है आपकी? समस्या है आप जो टूटी फूटी झोपड़ी है कुछ प्रधान नहीं देते हैं। क्या कह रहे हो? प्रधान कुछ भी नहीं देते हमको। आपने कुछ कहा कभी? कई बार कहा जाके। यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी जांच के लिए आया? कोई नहीं आया, बगैर पढ़े लिखे आदमी हम तो पढ़े नहीं हो आप।
खेती है आपके पास? ऐसी थोड़ी बहुत खेती है, थोड़ी नदी में कटी पड़ी है। कितनी है वो? करीब एक एकड़ पत्ती है इस टाइम आपके। हाँ बस नदी में कटी गई, सब सब कट गई, सब नदी में पड़ी है, मजदूरी कत खात। क्या नाम है आपका? बबीता। कौन सा गांव है? मोहनपुर। क्या समस्या है आपकी? सब मजबूरी है, कुछ नए नए झोपड़ी है, बच्चे छोटे छोटे हैं, वो भी परेशान रहते हैं, कुछ ना मिलते हैं हमको, कुछ ना जल। अच्छा, कभी आपने प्रधान जी को इसका सर्वे कराया? सर्वे होते हैं, देख लेते हैं, चले जाते हैं, कुछ नहीं देते हैं। अच्छा, कोई प्रशासनिक अधिकारी आया यहाँ पे? आए हैं, वो भी नहीं सुनते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं गली में। हम तो जब से आए बहुत परेशानी है, हर बात की परेशानी है। यहाँ पे तो कोई विकास ही नहीं है किसी प्रकार से? ना कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, आग लग गई थी तब भी सब जल गया, तब ना कुछ मिलो। अच्छा अच्छा, आग कब लगी थी यहाँ पे? आग लगे हो गई 2-4 साल में। कुछ मिला नहीं? कुछ नहीं सुनवाई मिली, सब कपड़े लिते बचने के हर चीज जल गई थी, कुछ रहो ना मेरे पास कुछ ना है। अच्छा अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं और मजदूरी कत वे भी खाते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, गुड्डी नाम। क्या समस्या है आपकी? समस्या सब है, बहुत समस्या आई। बताओ। बहुत भारी समस्या खराब है, दिन हम आएंगे मकोले कोई चीज ना आएगी। अच्छा, जो आपका मिट्टी का मकान बना हुआ है? हाँ, मिट्टी का मकान बना हुआ है। इसने कभी आपने इसके बारे में कोई प्रशासनिक अधिकारी प्रसाद हमारे ले काम न करिएगी? किसी से नहीं, किसी ने ना करिएगी प्रसाद। हम तो विधवा आएंगे, कहे एक लड़की मेरे ब्याह पर निकले, हमको बहुत दुख हुई, लड़का साथ ना दे थे। लड़का क्या कह रहे? लड़का बहरान खुद पर आएंगे, हमें कहा था लड़का खुद बहरान पर आएंगे। क्या लड़के हैं आपके? नंदी खेती कटी गई, सब आई आएगी। लड़की कितनी है आपकी? लड़की नहीं, एक आएगी जब भी अपन। लड़का? लड़का दो हेंगे। आप नाम बताइए उनको। हमारा चौका लगाओ, देख ले रात आए तो वहाँ लड़का दो ही आए, लल्ला दोनों बिया ना कहो भट्ट खाना का साथ ही नहीं होते। पानी बंद रहो, अगर अगर चौमा मार मर लग जाए तो फटी ना करके जा। चलो चलो तुमने चलो अभी जो कहता है गिनने को ठाड़ो, अगर गिरी गई तो ये तो जब तभी के मरी ही जाएंगे। ऊंट निकल गए बेटे। हां, इन्हें बोले बड़े। क्या नाम है आपका? बबलू। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या सर ये है, माता जी के नाम से आवाज था, वो क्या नाम सेक्रेटरी आया, जबरदस्ती फोटो खींच ले गए दूसरे के आवास का। दूसरे के आवास का? कौन सेक्रेटरी साहब आए? देवक सिंह। अच्छा, प्रधान जी कौन है यहाँ पे? राम बेटी। राम बेटी, और क्या समस्या आपकी? और समस्या क्या है सर, झुग्गी झोपड़ी पड़ी है हमारे, देख लो आप, गदई पड़ी है। अच्छा, आपके कहे मतलब फोटो कब खींच ले गए थे? रविवार को 25 तारीख। 25 तारीख को तो आपका आवाज जो है आपको मतलब मिला या नहीं मिला इस टाइम पे? नहीं मिला है, 8वें नंबर था, कम से कम 33 आवाज बन चुके हैं मौजूद और 5 और आ गए। 5 और आ गए, लेकिन आपको कोई संभावना नहीं इसकी? हमारी कोई सुनवाई नहीं अभी है, और रविवार इतवार को आए थे भी, बोल रहे दूसरे का आवाज का फोटो खींच लिया, बोल रहे आपात्र कर दिया, स्टाम्प लिख दे बताओ, ये आवाज नहीं बन पाए। अच्छा अच्छा, कोई प्रशासनिक अधिकारी आया सर्वे करने के लिए यहाँ? कोई नहीं आया। नहीं आया कोई नहीं, वही सेक्रेटरी प्रधान, वही सेक्रेटरी प्रधान वही आए। आपने कभी SDM साहब को एप्लीकेशन दिया इसके बारे में? नहीं दिया, CDO साहब को दिया। CDO साहब क्या बोले वो? CDO साहब ने कहा हम भेजेंगे किसी को, कोई आया नहीं उससे पहले सेक्रेटरी साहब,
अपनी क्या नाम करके फोटो वोटो दूसरे का। कब दिया एडीओ साहब को? एडीओ साहब को शायद लगभग हो गए 25 दिन हो गए। 25 दिन अभी कोई आया नहीं? अभी कोई नहीं आया, उनकी जगह कोई नहीं आया। जी माता जी आपकी क्या समस्या है? हमारी जो आवाज हुआ नहीं मिलती है वो बाबू जी, हमारा आवाज जब तक खींच ले गए। कब खींच ले गए फोटो? रविवार का 25 तारीख का है। कौन आए थे? सेक्रेटरी और लड़का। और तो आपसे क्या कही? हमसे कही कि अब तुम्हारा माता जी नहीं बनी, और हमने कहा हमारा कहने बनी हमारा भाई विधमा आई, हम कत हमारे कोई ऐसी ना नदी नदी ले गई लड़का रोटी अभी दिखाई नहीं हम कत खा। आपकी जमीन कितनी है? कछु नहीं, एक बीघा आई सब जाती है। आपको मकान कच्चा कब से बना हुआ है? मकान हमारा जय जीवन हुई को। अच्छा, इससे कहीं पक्का मकान बना हुआ है आपका? कहूँ नहीं, कहीं नहीं है। हम तो कतई लला भीत होंगे ऐसे समझ लो, न पेंशन आई न कोई चीज आई। क्या नाम है आपका? हमारा ओमवती। ओमवती, क्या समस्याएं हैं आपकी? हम बहुत समस्या खराब है, हमारे पास जमीन नहीं, सरकार रहन का आवास नहीं है। अच्छा, इससे कभी आपने प्रधान जी से या किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपने मांग की इसके बारे में? इनके बारे ना, ना आवास के बारे, आवास में बारे। जो कच्चा मकान है आपका, हाँ। क्या कहा उन्होंने? इनको है, आ गया है, हाँ। आ गया है, हाँ। इनका है। क्या नाम है आपका? पंचम कुमार। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? आवास नहीं, आवास नहीं है। आपने कभी प्रशासनिक अधिकारी या प्रधान जी से या सेक्रेटरी साहब से कभी मांग की है इसके बारे में? प्रधान तक आई थी। अच्छा, आप विकलांग हो? विकलांग। कब से हो आप? छोटे पर के। अच्छा, और क्या समस्या है आपकी? और तो मुझे गली मेरी बनवाती है, गाड़ी में साइकिल नहीं कर पाओ। अच्छा, तो आपको कभी इस विकलांग से कभी कुछ इसके ऊपर कोई आपको सुविधाएं मिली है? कोई सुविधा नहीं मिली, खाली साइकिल, पेंशन है खाली। पेंशन है आपकी? साइकिल वगैरह है आपकी? साइकिल है। कौन सी है? 3 पहिया वाली। अच्छा जी, ठीक है।